है मेजर जनरल रॉय जोसेफ, एडीजी एनसीसी गुजरात डायरेक्टरेट। आज मेरा मेन मकसद राजकोट ग्रुप हेडक्वार्टर को विज़िट करना था और यहाँ के जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं जो राजकोट के बटालियंस के हैं जो कॉलेज और स्कूल्स में हैं उनके साथ बातचीत करना था और उनको कुछ इश्यूज डिस्कस करने थे, कुछ सलाह देनी थी और उनसे कोई प्रॉब्लम्स है उनसे लेना था। और साथ ही साथ जो एनओ बनने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो भी शामिल थे, जो यूनिट से जो सीटीओज बोलते हैं वो भी थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे एनओज और सीटीओज जो इधर के लोकल कॉलेज एंड स्कूल्स के हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनसीसी के लिए और एक लिंक है जो एनसीसी का यूनिट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और उनको मैंने प्रोत्साहित करने की कोशिश की है अभी और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ख़ास करके कोविड के सिचुएशन में हमने एक एक्साइज योगदान किया था मार्च अप्रैल मई के महीने में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट की इस महामारी से लड़ने के लिए, तब हमारे कैडेट्स ने वॉलंटियर करके और साथ ही साथ एएनओ और जो हमारे फौजी स्टाफ थे ये सब मिलकर राजकोट में, जूनागढ़ में, सुरेंद्रनगर और भावनगर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को मदद किया है, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में, क्यू मैनेजमेंट अपना एटीएम्स और शॉप्स में, साथ ही साथ ओल्ड एज होम्स में गए हैं, साथ ही साथ फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी काम किया है। इस तरीके से राजकोट ग्रुप के काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस ग्रुप का एक नया ट्रेनिंग एकेडमी सैंक्शन हुआ था, उसका पहला फेज़ इस साल स्टार्ट होने वाला है और ये अगले 3 साल में एक ट्रेनिंग एकेडमी बनने वाली है जिसमें जो कैडेट्स कैंप के लिए अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाते थे वो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले 2 साल में। वहाँ पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप का फैसिलिटी 600 बच्चों का कंप्लीट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ बनेगा। वेयर इज दैट लोकेशन ऑफ दिस थिंग? આજે મારા ગુજરાત રાજ્યના એડીજી અમારા યુનિટનું વિઝિટ માટે આવેલા હતા અને ખાસ અમારા યુનિટ ગર્લ્સ યુનિટે COVID-19નો જે પીરિયડ હતો લોકડાઉનનો એ પીરિયડમાં ખૂબ જ સારી એક્ટિવિટી કરેલી છે અને સોશિયલ એક્ટિવિટી ઘણી બધી, પ્લસ અમે ઓનલાઈન ક્લાસીસ જે એનસીસીના સ્ટુડન્ટ્સને 13-15 સબ્જેક્ટ્સ ભણવાના હોય બધાના ઓનલાઈન ક્લાસીસ અમે ખૂબ સારી રીતે લીધેલા છે અને આની એક્ઝામ સ્ટુડન્ટ્સ ફિઝિકલી ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કરે છતાં પણ એક્ઝામ્સ બહુ સારી રીતે આપી શકશે અને અમારું એનસીસી જે ગર્લ્સ યુનિટ છે તે અમારું નેશનલ લેવલે, દિલ્હી લેવલે પણ અમારા કામની ખૂબ જ પ્રશંસા કરવામાં આવેલી છે